गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक इन दिस ब्लॉग। अब मैं आज से जर्नी कर रहा हूँ यहाँ पर पुरी की। हम लोग भुवनेश्वर का, जैसे कि मैंने ब्लॉग खत्म कर दिया तो अब हम लोग जा रहे हैं पुरी। मैंने भुवनेश्वर के कल्पना चौक से बस पकड़ा है पुरी के लिए। आप भी वहाँ से ले सकते हैं 100 रुपीज AC, एक घंटे में आप पुरी पहुँच जाएंगे। लेकिन उसके पहले ही लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बोथ, शशि द एंटरटेनर आईडी है। चलिए मिलते हैं पुरी में जाके। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक। और मैं पहुंच गया हूँ पुरी में, और मैं पुरी में आया हूँ, आपके सामने है नीलांचल निवासा, जो कि 3 महीना अभी हुआ है सिर्फ इसको खोले हुए। बहुत ही अच्छा साफ सुथरा होटल है। मैं आपको बोलूंगा आप जब भी आओ पुरी में तो आप इसी होटल में आओ। नंबर यहाँ पर मैंने आपको दे दिया, हो सकता है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नंबर का। और मैं आपको अंदर का रूम भी दिखाऊंगा, जो रूम मैंने लिया है AC का रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है, बहुत ही साफ सुथरा रूम है। चलिए मैं आपको रूम के दर्शन कराता हूँ अंदर के। और यहाँ से बीच भी है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस बीच का है। ये होटल का एंट्रेंस है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जब भी आप आओ यहीं पर आप आना, बहुत सही रूम है। मैं आपको रूम का दिखाता हूँ, ये पूरा रूम है, देखिए कितना सुंदर से बनाया हुआ है होटल को। और मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी फैसिलिटीज है रूम में। मेरा रूम नंबर है 104, मैं आपको रूम के अंदर ले चलता हूँ। ये हमारा रूम है, बहुत ही साफ सुथरा रूम है, आप देख पा रहे हो, बहुत ही साफ सुथरा रूम, प्योर रूम। यहाँ पर देखिए बाथरूम कितना क्लीन है। इसके बाद आपको यहाँ पर AC मिल रहा है फुल, TV फुल मिल रहा है, आपको अलमारी के लिए स्पेस मिल रही है यहाँ पर। यहाँ पर आपको किचन मिल रहा है, फुल किचन है यहाँ पर, अगर आप चाहे तो खाना बना सकते हैं यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये है हमारा बरांडा स्पेस, तो काफी अच्छी स्पेसिंग है। एंड मैं बोलूंगा आप लोग यहीं पर ही आइए, ज्यादा महंगा भी नहीं है ना। मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, इसका जो प्राइस है वो है आपका 2300 रुपीज, 2300 का ये रूम है। आप अगर इनको बोलिएगा तो ये आपको 2100 रुपए में करा देंगे, 200 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे बीच, और फिर बीच में मैं दोबारा जाके आप लोग से मिलता हूँ। गाइज वी आर रेडी फॉर द बीच, अब हम लोग जाएंगे बीच में। मैंने अपना लुक भी चेंज कर दिया, बीच वाला लुक चेंज कर दिया है। आपको और एक चीज बतानी है कि इसी होटल के बगल में आपको यहाँ पर मिलेगा, आप देख पा रहे हैं, ताशा कैफे, जो कि मल्टी कुजीन है, तो यहाँ पर अपना खाना भी खा सकते हैं अच्छे से। ये जो लोकल है, यहाँ से मैं सीधा जाऊंगा, सीधा है बीच, बीच से एकदम सीधा। तो हम लोग वहाँ चलते हैं, फिर मैं वहाँ पर जाके दोबारा आप लोग से मिलता हूँ। तो गाइज हम लोग अभी पुरी के रास्ते, बीच के रास्ते में जाते थे, पहले भूख लगी तो हम लोग सोचा पहले नाश्ता कर लें। तो नाश्ता करने के लिए आप लोग बीच के रास्ते से ही आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर एक्जेंडू रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको इंडियन, चाइनीज, बंगाली सब मिलेगा। फिलहाल मैं तो खा रहा हूँ अभी साउथ इंडियन, मैंने ऑर्डर किया है उत्तपम और मसाला डोसा, तो आप लोग भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग चलेंगे बीच। गाइज अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बीच पे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर मस्तियाँ बहुत सारियाँ। हवा तेज है, पानी का फोर्स भी बहुत तेज है यहाँ पर। देखिए मेरे बच्चे चल रहे हैं ऊंट में, बच्चों का ले रहा है 50 रुपए, बड़ों का है 100 रुपया। मेरी वाइफ भी जा रही है, यानी कि मेरी बच्चों की माँ अभी चढ़ेगी ऊंटवा में। Welcome back guys, और अब हम बीच से निकल के अब हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद हम लोग लेंगे थोड़ा सा रेस्ट, और रेस्ट के बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे घूमने के लिए। बीच में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि पानी का फोर्स इस बार बहुत ज़्यादा था, और मेरे मोबाइल में भी पानी घुस गया था इसकी वजह से। अभी हम लोग आगे चलेंगे जहाँ पर खाना खाऊंगा,
वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए करिए थोड़ा सा इंतजार। गाइज वेलकम बैक। तो मैं जैसे कहा था मैंने आपको कि मैं अभी लंच करने आया हूँ, तो मैं आया हूँ तनुजा फास्ट फूड और तनुजा किचन में। आप देख पा रहे हो रीजनेबल है, वेज थाली आपको 70 में मिल जाएगा, यह सबका प्राइस लिखा हुआ है, तो आई थिंक इट्स रीजनेबल है और खाना भी अच्छा है। यहाँ पर आपको जोमेटो स्विगी दोनों की सर्विस भी मिलती है। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल से थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके मंदिर की तरफ, यानी कि जगन्नाथ मंदिर की तरफ। वहाँ पर तो मैं आपको बाहर से ही मंदिर दिखा पाऊंगा, जितना दिखा पाऊंगा, क्योंकि अंदर में ना मोबाइल अलाउड है, तो मैं आपको अंदर के दर्शन तो नहीं करा पाऊंगा। फिर भी मैं जहाँ तक आपको दिखा सकूँ मंदिर वो मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे कि मैं कहा था कि मैं मंदिर पहुँच के आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो ये मंदिर मैं आपको यहीं तक ही दिखा पाऊंगा क्योंकि अंदर में मोबाइल अलाउड नहीं है। मैं आपको यहीं तक दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अब मैं जाऊँगा अंदर में। आज वैसे भी दशहरा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितने जल्दी दर्शन करके वापिस आ सकूँ। चलिए मिलते हैं मंदिर दर्शन करने के बाद। वेलकम बैक गाइज। और मैं अभी भी जस्ट मंदिर से दर्शन करके आया, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए मंदिर के, बहुत ही अच्छे। उनको सजाया भी गया था क्योंकि आज दशहरा है यहाँ पर, इसलिए सजाया भी गया था। आप भीड़ देख पा रहे हो, बहुत काफ़ी भीड़ है क्योंकि आज बगल में यहाँ पर दशमी का विसर्जन भी हो रहा है। और अभी हम आए हैं यहाँ पर शिकंजी पीने के लिए, तो फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे होटल और आपसे मिलेंगे कल जहाँ हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तब तक के लिए वेट करते रहिए एंड सब्सक्रिप्शन कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और लाइक कर देना प्लीज़। थैंक यू।